आज वह दिल्ली की सरहद में 70-75 दिनों से ठुठुरती हुई ठंड हो, ओलाबारी हो, बारिश हो, वहां पे बैठे हुए हैं। इस सरकार की कान बंद है, आंख बंद है और मुंह भी बंद है। और दुनिया ने देखा कि उस पीसफुल प्रोटेस्ट को कैसे गोलाबारी से, अथरू गैस से, वाटर कैनन से, लाठियों से उन बेचारे निहत्ते किसानों को किस तरह की ट्रीटमेंट दी गई, सारे देश ने देखा और उनके साथ संवेदना करी। किसान ने अपनी जान कुर्बान कर दी, शहीद कर दी अपनी आवाज सुनाने के लिए, लेकिन उनकी कुर्बानी का सर ये इंसान है, ये हिंदुस्तानी है। कि इस ऑर्डिनेंस के आने से मेरी MSP खत्म हो जाएगी, मेरा मंडीकरण सिस्टम खत्म हो जाएगा, मैं अपने ही खेत में जब मेरी जमीनें पूंजीपतियों के हाथों में आ जाएगी, मैं मजदूर बन के रह जाऊंगा। लिखा है कि किसानी किसान करे, लोचे जियो लाए, हल जोते उदम करे, मेरा पुत ती खाए। मैं कहना तो पंजाबी में चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ ये सब बाकी सांसद भी समझ सकें कि हमारे ग्रंथों में किसानों को कितनी अहमियत दी है, इसलिए मैं हिंदी में भी बोलूंगी और पंजाबी में भी। गुरु साहब कहते हैं कि किसान बहुत लगन के साथ, मेहनत के साथ, खून पसीने बहा के अपने खेत में किसानी करता है, हल जोता है, फसल उगाता है ताकि उसके बच्चे खा सके। ये जो कमाई अपने हाथों से करता है, ये पवित्र कमाई के बारे में हमारे पहले प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने 18 साल खुद किसानी करतारपुर साहब में करके हम सिखों को संदेशा दिया, कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको। गुरु साहब ने कहा सब तो पवित्र कमाई एक कीर्त दी, खून पसीने दी कमाई होंगी है, इस कमाई दे नाल तुसी रब दा ना जपो ते ना जप के जो तुसी कमांदे हो उनू वंड के खाओ। अज जो इतनी पवित्र कमाई करने वाले किसान हजारों की गिनती में, तादाद में हमारे पंजाब से आके जिन्होंने आंदोलन शुरू किया, आज वह दिल्ली की सरहद में 70-75 दिनों से ठुठुरती हुई ठंड हो, ओलाबारी हो, बारिश हो, वहां पे बैठे हुए हैं, क्योंकि 6 महीने से जो वो मांग रख रहे हैं, इस सरकार की कान बंद है, आंख बंद है और मुंह भी बंद है। मुझे इस बात में इतना दुख होता है कि जो पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा ठंड का मौसम था, उस ठंड के मौसम की परवाह ना करते हुए बूढ़ी औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब इधर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। जो 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे से उन्होंने मार्च किया, जब संविधान को मनाया जाता है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो डेमोक्रेटिक राइट होता है, और दुनिया ने देखा कि उस पीसफुल प्रोटेस्ट को कैसे गोलाबारी से, अथरू गैस से, वाटर कैनन से, लाठियों से उन बेचारे निहत्ते किसानों को किस तरह की ट्रीटमेंट दी गई, सारे देश ने देखा और उनके साथ संवेदना करी। दिल्ली के बॉर्डर में रोक दिया गया, वो बेचारे 2.5 महीने से वहां पे आराम से बैठ गए, पेशेंटली और शांतमय तरीके से उन्होंने अपना आंदोलन चलाया। आंदोलन क्या था सर? आज जब सारे देश और दुनिया में सब उस अन्नदाता के साथ जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल पीसफुल तरीके से, चाहे कोई टीचर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, नौजवान हो, कोई दुकानदार हो, सब उनके साथ संवेदना रख के 2.5 महीने से उनके बीच में उधर गए और उन्होंने अपना सपोर्ट दिया। लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि जिसको वो अपनी संवेदना बताना चाहते, अपना दर्द बताना चाहते हैं, इस सरकार का एक नुमाइंदा उन तक पहुंच नहीं कर सका। आज उस आंदोलन में 100 किसान ने अपनी जान कुर्बान कर दी, शहीद कर दी अपनी आवाज सुनाने के लिए, लेकिन उनकी कुर्बानी का सर ये इंसान है, ये हिंदुस्तानी है, ये हमारे अन्नदाता है, जो 150 से ज्यादा मर गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति अभिभाषण में इनके बारे में एक संवेदना की लाइन नहीं। मन की बात होती है, बहुत कुछ बोला जाता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। हाँ, 6 साल में थी मैं, बिल्कुल थी, मैं आ रही हूँ उसमें, लेकिन जब सरकारी इनह्यूमन हो जाती है, जब संवेदना अपनों के प्रति नहीं प्रकट कर सकती, फिर उस सरकार में रह के करना क्या है? इसलिए छोड़िए उस सरकार को। वह इनकी मांग क्या है?
5 जून में आ रही हूँ भैया, आप सुनते रहिए, सबका जवाब दूंगी, बेफिक्र रहिए। 5 जून को कोविड की आड़ में जब लोग घरों में बंद थे, एकदम एक ऑर्डिनेंस लाया गया, ना किसान से पूछा, ना सलाह मशवरा किया, ना उसने मांगा, पकड़ के उसके ऊपर थोप दिया गया ये ऑर्डिनेंस, जिससे किसान के मन में डर पैदा हो गया कि इस ऑर्डिनेंस के आने से मेरी MSP खत्म हो जाएगी, मेरा मंडीकरण सिस्टम खत्म हो जाएगा, मैं अपने ही खेत में जब मेरी जमीनें पूंजीपतियों के हाथों में आ जाएगी, मैं मजदूर बन के रह जाऊंगा। किसान के मन में ये डर आ गया। आज मैं इस सदन से मैं बताना चाहती हूँ, ये मेरे मंत्री साहब सब बैठे हैं यहाँ पे, जब ये ऑर्डिनेंस आया मैंने उस टाइम भी प्रार्थना करी पूरी कैबिनेट से कि आप इस ऑर्डिनेंस को पहले सलाह मशवरा करके लेके आइए, क्योंकि किसानों के मन में ये वहम है। लेकिन इसके बावजूद ये ऑर्डिनेंस बना दिया गया और मुझे विश्वास दिलाया गया कि इसको कानून बनाने से पहले इस किसानों की सारी संवेदनाओं को दूर किया जाएगा। आप देखिए कि कितनी हैरानी की बात कि यहाँ पे जब मेरे पार्टी के लीडर में ये जून में आता है, जुलाई में हम चिट्ठी लिखते हैं, हमें बोला गया बहुत अच्छा कानून है, आप लोगों के पास लेके जाइए। जब किसानों के पास लेके गई तो किसानों से उनकी संवेदना पता लगी, उनकी आशंकाएं पता लगी, और वो एक चिट्ठी में डाल के जुलाई के महीने में खेतीबाड़ी मंत्री को भेजी गई, जिन्होंने कहा फिकर ना करिए, ये सारी शंकाएं हम दूर करेंगे। लेकिन आप हमारी हैरानी देखिए कि सितंबर के महीने में मॉनसून सेशन आता है, और सेशन आते सारी पहला बिल टेबल हो जाता है, ना किसान से बात करी, ना सलाह मशवरा किया। वो रेल की पटरियों में जून के महीने से पंजाब में आंदोलन रच रहा था। हाँ, ये कांग्रेस के बारे में भी जरूर कहूंगी, 2019 में जे इनके मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पैरवाई की थी, करी होती तो ये 100 किसान जो 150 मर गए ये शायद आज जिंदा होते। ये इनकी भी देन है, इनकी देन है तो उनकी भी बराबर की देन है। और फिर इसका जब इनसे बात, जब सेशन पे आया, उधर भी हमारे इधर मंत्री जी से पूछे, राजनाथ जी बैठे हैं, नड्डा जी बैठे, सबके पास गए कि आप सलाह मशवरा करिए, बिना इसको मत लेके आइए, देश में आग लगेगी, किसान सड़कों पे उतर जाएगा। उधर आपको 3 घूस आंखें दिखा रहा है, इधर कोविड की मार हिंदुस्तान की जनता लड़ाई लड़ रही है, आप क्यों किसानों का आंदोलन खड़ा कर रहे हैं? लेकिन एक बात, सबसे पुराना LI जब आपके साथ 2 MP होते थे, कोई नहीं होता था, तब ये पार्टी आपके साथ खड़ी थी, ना मंत्री की सुनी, ना पुराने LI की सुनी। और आज किसान मर रहे हैं, लेकिन वो किसान की भी नहीं सुन रहे, इससे और दुखद बात क्या हो सकती है सर? और ये किसान मांग क्या रहा है कि मैंने ये मांगा नहीं। आप कहते हैं मेरे वास्ते चंगा हैगा, मैनू अब नहीं चाहिए, मेरे को नहीं यही चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, आप वापस ले लीजिए। और ये मेरे लिए कोई कानून बनाना है तो मेरे सलाह मशवरा से बनाइए, आप MSP का मुझे लाजमी लीगल मेरे को MSP दीजिए, और ये काले कानून वापस करिए। MSP क्या है सर? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये कोई बुरी चीज है? ये है 2011 में एक वर्किंग कमिटी के चेयरमैन कंज्यूमर अफेयर्स में, जो प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते मनमोहन सिंह को वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, और इस रिकमेंडेशन में 2011 में क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी? इनफोर्स MSP, वी शुड प्रोटेक्ट फार्मर्स इंटरेस्ट बाय मैंडेटिंग थ्रू स्टैचुरी प्रोविजन दैट नो फार्मर ट्रेडर ट्रांजैक्शन शुड बी बिलो MSP। सर 2011 में जो मुख्यमंत्री कहता थे वो मानते थे, तो प्रधान सेवक से प्रधानमंत्री होते होते आज क्या बदल गया? आज यही तो किसान मांग रहे हैं सर। और किसान के मन में डर क्यों है सर? ये जो रिकमेंडेशन उसमें दी है, एज चेयरमैन ऑफ वर्किंग कमिटी साहब कहता है अनबंडलिंग, सर ये बहुत जरूरी चीज है, जो कह रहे हैं कि MSP चलती रहेगी, सर इसमें लिखा है अनबंडलिंग ऑफ FPI ऑपरेशन ऑफ प्रिक्योरमेंट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। साफ साफ रिकमेंडेशन चेयरमैन साहब की है कि FCI को अनबंडल किया जाएगा, प्रिक्योरमेंट और स्टोरेज की डिस्ट्रीब्यूशन से हटाया जाएगा। और यही कारण है कि आज किसान के मन में इतनी बड़ी शंका है कि इतना बड़ा आंदोलन पिछले 3 महीने से बैठा हुआ है सर। पर लेकिन इसके इस सरकार की आप देखिए, इन्होंने कितना अहंकार कि पिछले 75 दिनों से ना ही किसी मंत्री को उधर भेजा,
बल्कि ये आंदोलन शुरू होते सारे शुरू हो गया, ये बिचौलियों का आंदोलन है, फिर ये माओइस्ट का हो गया, फिर ये नक्सल का हो गया, फिर ये आतंकवादी का हो गया, खालिस्तान का। ये बैठे हैं मंत्री एमपी, एक कहते थे पाकिस्तान और चाइना से ये हो रहा है, वो बैठी है मेरी बहन जो कहती थी ये तो आतंकवादियों का AK-47 लेके बैठे। भैया कौन सी AK-47 की खेती करता है, कौन सा किसान, खालिस्तान है पहले दिन से, खालिस्तान खालिस्तान। क्योंकि जब 11 राउंड और टॉक्स कर रहे थे तो क्यों खालिस्तानियों से आतंकवादियों से आप बात कर रहे थे? तो सर मैं यही कहना चाहूंगी मैडम, प्लीज किसान के सुनने, जब ये देश में खाने को नहीं होता था ये किसान था। आखिर में मैं एक चीज पे जरूर आना चाहूंगी, 26 जनवरी की बात बहुत करी जाती है सर, उस दिन में जो वायलेंस हुआ हर एक को दुख है, वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है आज क्यों उसके बारे में कोई बात नहीं करता है? 25 शाम को जो एक स्टेज से ऐलान किया गया था कि जो डेजिग्नेटेड रूट है उस रूट में नहीं जाएंगे लेकिन लाल किले की तरफ जाएंगे, तो ये 25 शाम को पता था आप 4 घंटे में लॉकडाउन कर सकते हैं, चंद घंटों में नोटबंदी कर सकते हैं, एक रात पहले आपको पता आप एक रास्ता नहीं बंद कर सकते थे? कौन इसका जवाब देगा? और ये जिनके साथ जिन्होंने दानिश जी ने जिनका जिक्र किया है वो आज पकड़े गए हैं 2 हफ्ते के बाद। सर एक बात और, सर पर बहुत बात करी गई तिरंगे का अपमान, सर 2 मिनट सर, तिरंगे के अपमान के बारे में बात करी गई। अरे भाई सर उस तिरंगे की आप बात कर रहे हैं जिस तिरंगे को लहराने के लिए 70% खून इस कौम का डुला था, काला पानी हो फांसी हो सबसे ज्यादा शहादतें इस कौम ने दी थी। और सर तिरंगे में लहराया तो वो आप कहते केसरी लहरा दिया, तो ये वही केसरी है जो आपके प्रधानमंत्री जी और वर्ल्ड लीडर अपने सिर पे लेके घूमते हैं। उस निशान साहेब को आपने केसरी को कठहरे में खड़ा कर दिया जिस केसरी करके सा हमारे 9वें गुरु ने ठीक लाल किले के सामने, ये एक सीट ऑफ ऑपरेशन है हमारे लिए, सीट ऑफ टिरनी है जहाँ से हमारे 9वें गुरु की शहादत का ऐलान किया गया था। और क्यों शहादत हुई थी? आपके जनाऊ और तिलक को बचाने के लिए हमारे गुरु ने शहादत दी कि कैसे हमारे गुरु आपके हैं तो फिर उसे, और वो केसरी लहराने के लिए आज आपके गुरु बन गए, आज आपके बन गए। और मैडम प्लीज कंक्लूड नाउ, बच्चों को 400 साल बाद ये लोग आतंकवादी कह के उस केसरी को घेरे पे खड़े कर रहे, ये कहाँ का इंसाफ है? लास्ट लाइन, और साफ जो जर्नलिस्ट सही कहानी बताए तो ये बोल रहे थे कि क्या था भाजपा के गुंड का हाथ, पूछ ले मंदीप पुनिया से, खोल लीजिए वेबसाइट, एक एक आपके भाजपा का वर्कर क्या कर रहा था बताया जाएगा। और ये फिर भी कोई शक है दलितों की बात की जाती है, ये 24 साल के एक दलित वर्कर जिसको पकड़ के बंद कर दिया है और उससे क्या सेक्सुअल मिसट्रीटमेंट करी जा रही है 26 तारीख से। और सर अखीर से बोलना था, जो बोलने की बात थी राष्ट्रपति अभिभाषण में कि वी विल पुट एन एंड टू बार्बरिज्म, ये क्या बार्बरिज्म है, स्टेट स्पॉन्सर्ड बार्बरिज्म, कि एक निहत्ता लड़का रंजीत सिंह जो एक घर में आग लगाने औरतों के टेंट में आग लगाने से पुलिस को रोकता है, ऐसे टूट पड़ते हैं, ये है आपकी हनुमान बेनीवाल जी, राष्ट्रपति जी बहुत बहुत हनुमान बेनीवाल जी, नो मोर इट्स ओके, दिस इज मैं बेनीवाल जी प्रोवाइडेड यू सर द लास्ट वन लास्ट पॉइंट तो आखिर में अभी सारे जने बात कर रहे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये आंदोलन जीवी, लेकिन सर उसके बाद एक और शब्द बोला था जो मेरे को मतलब नहीं पता था, मैंने खोल के देखा, वो कहते हैं परिजीवी मतलब पैरासाइट, किसको पैरासाइट बोल रहे हैं? उस अंधाता को पैरासाइट बोल रहे हैं आप जो अनपैदा करके पेट भरता है, क्या ईगो को बोल रहे हैं, क्या 24 सेकंड को पैरासाइट बोल रहे हो? हनुमान बेनीवाल जी, हनुमान बेनीवाल जी।